and welcome to Law GURUKUL. In the series of Tort Law, today we will study Nuisance. This video is a complete package on Tort of Nuisance. In this video, we will study its meaning, definitions, essential elements, kinds, what are its defenses, with important case law. So let's start. The word nuisance is derived from the French word nuire, which means to do hurt or to annoy. ये जो nuisance term है, ये French word nuire से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर परेशान करना। इसका जो Latin term है, वो है nuisere, जिसका भी मतलब होता है to cause harm. ये जो नुकसान और annoy परेशान disturb कर रहा है, ये किसी भी form में हो सकता है. It can be in the form of any intangible thing, such as sight, smell या फिर noise. Nuisance is an illegal act or indirect illegal interference to the enjoyment of human property or causing any kind of discomfort. जब कभी भी किसी को आपको अपनी property को या आपको enjoy करने नहीं दे रहा है. See for example, अगर कोई पड़ोस में loud music बजा रहा है. Here, premises. मेरे property पे तो कोई आया नहीं है, but this noise or this loud music is annoying me. ये म्यूजिक मुझे परेशान कर रहा है और मुझे अपनी ही प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली एंजॉय करने नहीं दे रहा है. तो दीज काइंड ऑफ इनलीगल एक्ट आर कॉल्ड न्यूसेंस. व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स? न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए दो चीजें जरूरी है. सबसे पहला है रॉन्गफुल एक्ट, यानी जो एक्ट है वो रॉन्गफुल इनलीगल होना चाहिए. और सेकेंड, उस एक्ट की वजह से किसी भी टाइप का डैमेज, लॉस या फिर अनॉयंस जो है वो क्रिएट होना चाहिए. See for example, Mr. A starts a cement factory on his own land. A ने अपने ही लैंड पे सीमेंट की फैक्ट्री establish करी है. वो जो कर रहा है अपने लैंड पे कर रहा है, क्योंकि ये उसका राइट है. बट सीमेंट फैक्ट्री establish करने से क्या हो रहा है, जो नॉइस और डस्ट निकल रहा है उस सीमेंट फैक्ट्री से, वो उनके नेबर मिस्टर बी को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से, डस्ट की वजह से उनके घर में पॉल्यूशन आ रहा है. और वो नॉइस एनी टाइम अगर पड़ोस में वो सीमेंट फैक्ट्री का लाउड नॉइज बजता रहेगा, उससे भी इरिटेशन होती है, परेशानी होती है. तो मिस्टर ए ने अब जो कि अपने लैंड पे किया, वो उन्होंने मिस्टर बी के लैंड पे पोजेशन नहीं किया, ट्रेसपास नहीं किया, कुछ नहीं किया. वो जो कर रहे हैं अपने ही प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं. बट उनका ये जो एक्ट है, उसकी वजह से मिस्टर बी को अनॉयंस हो रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है. तो यहाँ पर मिस्टर ए का जो एक्ट है वो होगा न्यूसेंस. वन मोर एग्जाम्पल इज हियर. मिस्टर एक्स obstruct the public road because of the chaos created by his castle. अब मिस्टर एक्स जो है वो पब्लिक रोड पे अपने कैसल्स को ले जाकर के उन्होंने पब्लिक रोड पर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया. यानी रोड के बीचों बीच में उन्होंने अपने ढेर सारे कैसल्स को इकट्ठा कर दिया. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को रोड पे, पब्लिक रोड पे आने जाने में परेशानी हो रही है. तो दिस इज न्यूसेंस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अनॉय कर रहे हैं. एक तो उनका रॉन्गफुल एक्ट ये हो गया कि वो इतने सारे कैसेस को ऐसे पब्लिक रोड पे नहीं ला सकते. सेकंड, उनके इन एक्ट की वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें लॉस हो रहा है, उन्हें अनॉयंस हो रही है, उनका डैमेज हो रहा है. सो दीज काइंड ऑफ एक्ट केम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस का मीनिंग क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्टली होता क्या है. इसमें हम दूसरे की प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे, जो काम कर रहे हैं हम अपनी ही प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, बट मेरे किसी एक्ट की वजह से किसी दूसरे को डैमेज, लॉस या फिर अनॉयंस हो रहा है, तो ये न्यूसेंस कहलाता है. सम ज्यूरिस्ट हैज गिवन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म. सी सामंत क्या कह रहे हैं, दैट न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउइंग टू कॉज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन द एस्केप ऑफ एनी डिलीटेरियस थिंग फ्रॉम वन्स लैंड. प्लेंटिव के लैंड या कोई लैंड जो प्लेंटिव के पोजीशन में है, वहां से कोई भी डिलीटेरियस यानी कि हार्मफुल थिंग्स, किसी भी टाइप का हार्मफुल थिंग्स अगर एस्केप हो जाता है, इट कैन बी वाटर, स्मोक, गैस, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी. इनमें से कुछ भी अगर हार्मफुल चीजें जो है वो उसके लैंड से एस्केप हो जाती है, तो ये कहलाता है न्यूसेंस एज पर द डेफिनेशन ऑफ सामन. बर्मिंगम क्या कह रहे हैं, दैट न्यूसेंस is an unlawful interference with a person's use and enjoyment of land or of some right over or in connection with it. He is saying that किसी भी टाइप का unlawful interference जिससे कोई अपनी ही property को properly enjoy ना कर पाए, तो वो होता है nuisance. Stephen is saying that nuisance
is anything done to hurt or annoyance of the tenements of another or of the land, one which doesn't amount to trespass. Stephen कह रहे हैं कि कोई भी act जिससे tenement या neighbors या जो land के owner है उन्हें किसी भी type का hurt या annoyance या परेशानी हो रही है जो trespass की category में नहीं आता है तो वो सारे act कहलाते हैं nuisance. तो डिफरेंट जूरिस ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, सबका घुमा फिरा कर मीनिंग जो है वो तो सेम ही निकलता है, बट एग्जाम में कई बार ये डेफिनेशन दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो यू विल हैव टू रिमेम्बर दीज डेफिनेशन विद द नेम. अब ये टर्म हमने पढ़ा ट्रेसपास, वैसे तो ट्रेसपास अलग होता है बट ये न्यूसेंस और ट्रेसपास जो है वो मोर और लेस सिमिलर कंसेप्ट है, तो हम थोड़ा सा इनके डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं कि आप ट्रेसपास और न्यूसेंस में कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, trespass is direct physical interference with the plaintiff's possession of land through some material or tangible object. हमने इसके पहले भी definition में पढ़ा कि nuisance जो है वो intangible thing से create हो रहा है और trespass जो है वो tangible object से हो रहा है. trespass में physical interference है, but nuisance में क्या हो रहा है? Nuisance is an injury to some right accessory to possession, but no possession itself through some intangible objects. ठीक है? ट्रेसपास में फिजिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, न्यूसेंस में फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है. ट्रेसपास जो है वो टैंजिबल ऑब्जेक्ट से हो रहा है, बट न्यूसेंस जो है उसमें इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट्स की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. सी फॉर एग्जांपल, राइट ऑफ वे और लाइट इज एन इनकॉर्पोरियल राइट. हमने ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ा है इनकॉर्पोरियल राइट. ठीक है, राइट ऑफ वे और लाइट इज एन इनकॉर्पोरियल राइट ओवर प्रॉपर्टी नॉट अमाउंटिंग टू पोजेशन ऑफ इट एंड हेंस डिस्टर्बेंस ऑफ इट इज अ न्यूसेंस एंड नॉट ट्रेसपास. क्लियर एग्जाम्पल अपने घर का नेबर्स का ले लेते हैं. किसी के घर में सन की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, बट द नेबर इज डूइंग व्हाट कि वो उस बीच में सनलाइट और उस घर के बीच में एक लंबी सी दीवार खड़ी कर देता है. अब क्या हो रहा है, मेरे घर पे तो अब सनलाइट आ नहीं रही, मेरा घर अंधेरा हो गया, तो उसने क्या किया है, लाइट को, द राइट ऑफ लाइट जो है उस लाइट को अपने पोजेशन में तो नहीं ले लिया, बट उनके इनडायरेक्ट वर्क की वजह से मेरा जो राइट टू लाइट है वो राइट इंजर हो रहा है. सो दिस इज न्यूसेंस. ओके, और ट्रेसपास में क्या होगा, अगर मैं नेबर के घर में जाके उसके घर का ट्यूबलाइट निकाल के ले आऊं, सो दिस इज ट्रेसपास कि उनकी मर्जी के बिना मैं उनके घर की लाइट जो है वो खराब कर दे रही हूँ कि उन्हें लाइट जो है वो ना मिल पाए. सो दिस विल अमाउंट टू ट्रेसपास क्योंकि इसमें फिजिकल इंटरफेरेंस है. बट जब मैं किसी घर के सामने कोई बड़ी सी दीवार खड़ी कर दूं तो वे तो उसके घर के अंदर, यानी ट्रेसपास तो नहीं हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं उनकी प्रॉपर्टी के बाहर ही हूँ, बट मेरे उस वॉल की वजह से उनका जो राइट टू लाइट है वो इंजर हो रहा है, उन्हें डैमेज हो रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है. तो दीज एक्ट आर न्यूसेंस. क्लियर? सिंपल एंट्री ऑन अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट कॉजिंग हिम एनी अदर इंजुरी वुड ट्रेसपास. अगर मैं सिंपली किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में जा रही हूँ विदाउट हिज परमिशन और हो सकता है उसकी वजह से किसी टाइप का नुकसान नहीं हो रहा हो, फिर भी वो ट्रेसपास कहलाएगा. बट न्यूसेंस में क्या है, इन न्यूसेंस इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और इंटरफेरेंस विद हिज पर्सनल कम्फर्ट और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी. न्यूसेंस में प्रॉपर्टी का नुकसान होना चाहिए, फिर किसी टाइप का इंटरफेरेंस की वजह से कोई फिजिकल डिसकंफर्ट होना चाहिए, फिर कुछ ऐसा डैमेज होना चाहिए, मतलब नुकसान होना चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली एंजॉय ना कर पाऊँ. तो दिस काइंड ऑफ डैमेज जो है इंजरी के केस में वो जरूरी है, बट ट्रेसपास में ये जो डैमेज वाला पोर्शन है वो जरूरी नहीं है. सी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है, बाहर से कोई आता है विदाउट योर परमिशन और आपके स्विमिंग पूल में नहा कर चला जाता है, इससे उसने आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज तो नहीं हो रही है, किसी टाइप का नुकसान तो नहीं हो रहा है, बट वो आपकी प्रॉपर्टी पे आया विदाउट योर परमिशन, तो ये होगा ट्रेसपास. क्लियर? इफ इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट द रॉन्ग इज ट्रेसपास. अगर वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है तो वो ट्रेसपास होगा, और अगर उसके किसी एक्ट की वजह से कंसिक्वेंशियल इफेक्ट्स हो रहे हैं तो ये होगा न्यूसेंस. सी एग्जाम्पल, प्लांटिंग अ ट्री ऑन अनदर्स लैंड इज ट्रेसपास. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मैं किसी और की प्रॉपर्टी पे जाकर के किसी और के लैंड में जाकर मैं कोई ट्री प्लांट कर रहा हूँ विदाउट हिज परमिशन, तो ये क्या होगा, ये ट्रेसपास कहलाएगा, इसमें डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस है. बट
When one plants a tree over his own land and the roots or branches project into or over the land of another person, this act is nuisance. यानी nuisance क्या है कि जब मैं जो tree है वो अपने ही land पे plant कर रही हूँ, but अब tree की growth को तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो natural है. तो tree के जो roots है या फिर जो branches है वो दूसरे की property में जा रहे हैं और उनकी उनके घर का view suppose खराब हो गया हमारे plant की वजह से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने दूसरे की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस तो नहीं किया, मैंने जो कि अपने प्रॉपर्टी अपने लैंड पे मैंने ट्री लगाया, बट उस ट्री की वजह से मेरे उस ट्री लगाने की वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, उनको उनका डैमेज हो रहा है, तो ये कहलाएगा न्यूसेंस. तो ये ट्रेसपास और न्यूसेंस का डेफिनेशन और जो डिफरेंस है वो तो क्लियर हो गया. चलो ट्रेसपास पे हम बाद में क्लियर और डिटेल वीडियो बनाएंगे, बस हम ये अभी समझ लेते हैं कि ट्रेसपास क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द काइंड्स ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस. वेरी इजी, पब्लिक न्यूसेंस नाम से पता चल रहा है, पब्लिक न्यूसेंस इज एन अनरीजनेबल अनवॉरंटेड और अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद अ राइट कॉमन टू द जनरल पब्लिक. न्यूसेंस तो हमें पता चल गया न्यूसेंस क्या होता है. तो सिंपल चीज ये है कि जिस न्यूसेंस की वजह से, जिस एक्ट न्यूसेंस वाले एक्ट की वजह से अगर ज्यादा लोगों को, कॉमन जनरल पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है. कोई ऐसा अनरीजनेबल अनवॉरंटेड या फिर अनलॉफुल इंटरफियरेंस जिसकी वजह से जनरल पब्लिक, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक के कॉमन राइट्स जो है वो इंजर हो रहे हैं, तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस. सिंपली स्पीकिंग पब्लिक न्यूसेंस इज एन एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है. पब्लिक न्यूसेंस यानी इसमें ज्यादा लोगों को, ज्यादा लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस. दस एक्ट विच सीरियसली इंटरफेयर विद द हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक जनरल और विच टेंड टू डिग्रेड पब्लिक मोरल हैव ऑलवेज बीन कंसीडर्ड पब्लिक न्यूसेंस. यहाँ पे सीरियस इंजरी हो रही है जनरल पब्लिक के हेल्थ सेफ्टी कन्वर्ट या फिर कन्वीनियंस को लेकर के, तो वो होता है पब्लिक न्यूसेंस. इट कम्स इनटू द डोमेन ऑफ क्रिमिनल एक्ट अंडर द इंडियन लॉ. ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा. वैसे तो जो न्यूसेंस और हम टॉर्ट ये सब पढ़ रहे हैं ये सारे सिविल सिविल एक्ट है, सिविल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, बट ये जो पब्लिक न्यूसेंस है इसमें जिसमें ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसमें ज्यादा पब्लिक एट लार्ज जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ये पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्रिमिनल एक्ट है और इससे इसके जो भी कंसिक्वेंसेस है वो क्रिमिनल लॉज के अंडर कंसीडर होते हैं. सेक्शन 268 जो है आईपीसी का, उसमें इस पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन दी गई है. सो अब कंफ्यूजन ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स हो जाए, क्योंकि टॉर्ट बेसिकली तो सिविल सिविल राइट्स है, सिविल लॉ के अंडर आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक न्यूसेंस को सिविल में भी, सिविल के उसमें भी इसके अगेंस्ट केस कर दिया जाए और इसके लिए क्रिमिनल सूट भी फाइल कर दी जाए. तो इस मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए पब्लिक न्यूसेंस को सिंपली क्लियरली इसे क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और पब्लिक न्यूसेंस के लिए आप सिविल एक्शन एनफोर्स नहीं करा सकते हैं. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर कि न्यूसेंस तो सिविल एक्ट होता है, सिविल एक्शन लिए जाते हैं टॉर्ट के लिए, बट पब्लिक न्यूसेंस ये क्रिमिनल एक्ट होता है और इसके अगेंस्ट सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही करा सकते हैं, सिविल एक्शन पब्लिक न्यूसेंस के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है. एन इंडिविजुअल मे हैव अ प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन इन रेस्पेक्ट टू अ पब्लिक न्यूसेंस. नाउ अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो ये अब इसके लिए जो ये क्रिमिनल एक्शन है ये कौन लेगा, तो कोई भी इंडिया, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो करा सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल जो है वो भी अपने प्राइवेट राइट का यूज करके सिंगल अकेला उस पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन फाइल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो पब्लिक न्यूसेंस का क्रिमिनल एक्शन है ये कोई इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक न्यूसेंस है तो सारे जनरल इन पब्लिक जो भी है वो सब जा करके प्रोसीडिंग जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो फाइल करे, ठीक है. Examples, अब कुछ केस लॉस को समझते हैं that are related to public nuisance. Carrying on trade which cause offensive smell. किसी ऐसे टाइप का बिजनेस या फिर ट्रेड करना जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम गंदी स्मेल और इनटॉलरेबल स्मेल निकल आ रही है, तो ये उससे क्या हो रहा है, स्मेल जो है पड़ोस में तो जाएगी नहीं, वो एयर के थ्रू आसपास के
काफी एरिया तक जाएगी जिससे एक से ज्यादा पब्लिक एट लार्ज को परेशानी होगी, अनोयंस क्रिएट होगा। तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस। इसके केस लॉ क्या है? मेल्टन बोर्ड ऑफ हेल्थ वर्सेस मेल्टन मैन्योर कंपनी। कैरिंग ऑन ट्रेड विच कॉज इनटॉलरेबल नॉइज। रेजिडेंशियल एरियाज में कुछ ऐसा ट्रेड स्टार्ट करना जिसकी वजह से बहुत नॉइज क्रिएट हो रहा है, इनटॉलरेबल नॉइज क्रिएट हो रहा है 24 घंटे जितने देर वो फैक्ट्री चल रही है, और वो बहुत लाउड नॉइज क्रिएट हो रहा है उस ट्रेड की वजह से, जिससे अब जो नॉइज है वो इतना लाउड है कि सिर्फ वो सिर्फ पड़ोस को नुकसान नहीं दे रहा है, वो आसपास के काफी एरियाज में वो नॉइज जा रहा है, वो इनटॉलरेबल है, जिसमें ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस है और उसमें इतना ज्यादा नॉइज है। तो ये होता है पब्लिक न्यूसेंस। इसका केस लॉ कौन सा है? लैम्बर्टन वर्सेस मेलिश। ड्रॉइंग वाटर इन अ कैन फ्रॉम अ फिल्थी सोर्स। अब ये क्या है? फिल्थी सोर्स यानी कोई गंदी जगह, नाली वगैरह, तो वहां से अगर कोई कैन में भर के पानी ला रहा है, खींच रहा है, तो ये सब भी पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। वो क्या कर रहे हैं, वो आप देख नहीं पाओगे ना उस चीज को, कोई गंदी नाली के पास में खड़ा है और उसमें से बकेट में पानी निकाल रहा है और अपने घर में रख रहा है या फिर इधर उधर फैला रहा है, तो ये सब पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। इसका केस लॉज है अटॉर्नी जनरल वर्सेस हॉर्नबाइल। इन सोलाटू वर्सेस दी हेल्थ। इन दिस केस द प्लेंटिफ रिसाइडेड इन अ हाउस नेक्स्ट टू अ रोमन कैथोलिक चैपल of which the defendant was the priest and the chapel bell was rang at all hours of the day and night. इसमें जो plaintiff है वो चर्च के बगल में उनका घर था और चर्च में जो priest थे, जो father थे, मतलब पंडित कह लो आप चर्च के, तो वो हर घंटे उनका चर्च में वो बेल बजता था, तो चाहे दिनों या रातों, तो उस बेल की वजह से plaintiff को बहुत अनॉयंस क्रिएट हो रही, रात में वो सो नहीं पा रहे, हर एक घंटे में वो चर्च में बेल बज रहे थे। So, this amounts to public nuisance, क्योंकि उस बेल, वो बेल इतना लाउड होता है और रात में जब वो बजता है वो आसपास के काफी लोगों को इफेक्ट कर रहा था, तो दिस अमाउंट टू पब्लिक न्यूसेंस। और इस केस में उनके अगेंस्ट में उन्हें इंजंक्शन मिला था, यानी वो बेल जो है वो रात और दिन रात बजाना उन्होंने बंद कर दिया था। इन अटॉर्नी जनरल वर्सेज PYA क्वेरीज। इन एन एक्शन एट द इंस्टेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इट वॉज हेल्ड that the nuisance from vibration causing personal discomfort was sufficiently widespread to amount to a public nuisance and that injunction was rightly granted against the quarry owners restraining them from carrying on their operations. खुदाई चल रही है, अगर आपके आसपास के एरिया में क्वेरिंग चल रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो इस टाइप का जो नॉइस होता है उसकी वजह से भी आसपास के लोगों को परेशानी होती, वाइब्रेशन जो होते हैं लैंड में उसकी वजह से भी लोगों को अनॉयंस क्रिएट होता है, इस वजह से ये भी पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और उस क्वेरी ओनर के अगेंस्ट में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स मिले थे इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्सेस PYA क्वेरी। सो दीज केसेस आर रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट न्यूसेंस। नाम से क्लियर हो रहा है प्राइवेट न्यूसेंस क्या है? जब किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक एंटिटी के राइट इंजर हो रहे हैं किसी न्यूसेंस एक्ट की वजह से, तो वो न्यूसेंस एक्ट प्राइवेट न्यूसेंस कहलाता है। प्राइवेट न्यूसेंस लॉसूट्स टिपिकली अराइज बिटवीन नेबर्स व्हिच विद वन प्रॉपर्टी ओनर बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ हिज और हर नेबर। प्राइवेट न्यूसेंस जनरली ज्यादा करके, सिर्फ ओनली नहीं बात नहीं हो रही, जनरली बात हो रही है कि प्राइवेट न्यूसेंस जनरली नेबर्स के अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि अगर आप इसी इंडिविजुअल को नुकसान, तकलीफ दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो जनरली नेबर्स ही होते हैं। इट गिव्स द अफेक्टेड पर्सन अ क्लेम ऑफ राइट इन पर्सनम। हमने ये टाइप ऑफ राइट्स में भी पढ़ा है, तो ये राइट इन पर्सनम को अफेक्ट करता है प्राइवेट न्यूसेंस। एग्जाम्पल, अ नेबर रेगुलरली प्लेज हिज म्यूजिक एट मैक्सिमम वॉल्यूम लेट एट नाइट। आपके अपार्टमेंट में, आपके पड़ोस में जो रह रहा है वो काफी लेट नाइट लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाउ कैन यू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट। सो दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्राइवेट न्यूसेंस। द रेमेडी इन एन एक्शन फॉर प्राइवेट न्यूसेंस इज अ सिविल एक्शन। हमने पढ़ा था पब्लिक न्यूसेंस वो क्रिमिनल एक्शन है, बट ये प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो सिविल एक्शन होता है और इसके अगेंस्ट दो टाइप के रेमेडीज अवेलेबल है। या तो उन्हें डैमेजेस मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है, या फिर इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, यानी उस काम को स्टॉप कर देना, इंजंक्ट कर देना।
So these two remedies are available in case of private nuisance in a civil action. Private nuisance ये three types के होते हैं. Damage to property यानी आपके neighbor के या फिर किसी person की वजह से आपकी property को नुकसान होना. Second, आपको किसी भी type का discomfort, किसी भी type का physical discomfort होना, ये होता है private nuisance. Now see some case examples. In St. Helens Smelting Company versus Tipping, the fumes from the defendant's manufacturing work damaged plenty of trees and shrubs. The court held that such damages being an injury to property gave rise to a cause of action. Defendant ke manufacturing company ki wajah se uske unke ghar se jo fume dhua nikal raha tha uski wajah se unke pados mein jo plaintiff the उनके गार्डन के ट्रीज और शर्ब्स जो थे वो खराब हो गए थे, वो डैमेज होने लग गए थे. सो उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही थी, तो ये होता है प्राइवेट न्यूसेंस. इन राम राज सिंह वर्सेस बाबूलाल, द प्लेंटिव अ डॉक्टर कंप्लेंड दैट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ डस्ट क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट्स ब्रिक पाउडरिंग मिल एंटर्स द कंसल्टेशन रूम एंड कॉजेस डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस. हॉस्पिटल के बगल में ब्रिक फैक्ट्री थी, तो उस ब्रिक के जो पाउडर, ब्रिक पाउडर मिल था, उसमें से जो डस्ट निकल रहा है वो बगल के हॉस्पिटल में आ रहा था और जो मरीज थे, जो पेशेंट्स थे, उन्हें डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंट हो रहा था. तो इसलिए इसके अगेंस्ट भी प्राइवेट न्यूसेंस का केस अलाउ किया गया था. नाउ व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल अगेंस्ट द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस. नंबर वन इज प्रिस्क्रिप्शन एंड सेकेंड इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. नाउ व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? A prescription is a title acquired by a use and time and which is allowed by the law. A person claims any property because his ancestors have had the possession of the property by law. हमने jurisprudence में पढ़ा था adverse possession. Remember, अगर कोई दूसरे की property पे for a continued long period of time reside कर रहा है या दूसरे की property को for a long period of time use कर रहा है, तो उसे वो उस दूसरे पर्सन को हम उसका ओनर मान सकते हैं. तो सेम चीज प्रिस्क्रिप्शन पे भी आ रही है. प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक टाइप का राइट है जो लॉ अलाउ करता है कि अगर कोई पर्सन दूसरे की प्रॉपर्टी को उसके एंसेस्टर्स यानी काफी टाइम से, बहुत पहले से दूसरे लोग यूज करते आ रहे हैं, तो उन्हें उसके इस लॉ के अंडर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन राइट मिल जाता है. If a nuisance has been peacefully and openly been going on without any kind of interruption, then the defense of prescription is available to the party. बिल्कुल वो adverse possession वाली चीज है इसमें. अगर कोई nuisance create हो रहा है जो openly है और peacefully काफी long time से ये nuisance create होता आ रहा है और इतने इतने long time से हो गया और बीच में किसी ने कभी interrupt नहीं किया, कभी कोई objection नहीं raise किया और अचानक से 30 साल बाद अगर कोई आ रहा है कि ये जो act है ये nuisance है, तो उन्हें ये डिफेंस अवेलेबल है, द डिफेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. यानी वो ये क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा प्रिस्क्रिप्टरी राइट है और इसे हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं. ये न्यूसेंस काफी टाइम से क्रिएट होती आ रही है और कभी पीसफुली ये हुआ है, ओपनली हुआ है, और कभी इन द लास्ट 30 इयर्स किसी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन, 20 इयर्स किसी ने भी इसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है. तो ये डिफेंस अवेलेबल है इन न्यूसेंस. On the expiration of this term of 20 years, ये 20 years का time period होता है, the nuisance becomes legalized. अगर 20 years कोई nuisance create हो रहा है for a continued 12-20 years of time, तो जो nuisance है वो legalized हो जाता है. यानी कि अगर आप 20 साल तक continue कोई nuisance create कर रहे हो, तो आप ऐसे समझ लो कि ये legal है और आप authorized हो गए हो, उस land owner ने आपको authority दे दी है कि yes you can continue this work in my property or my land. ये होता है prescriptory right. The essence of prescription is explained in section 26 of the Limitations Act and section 15 of the Easement Act. ये prescription की बात है, ये prescriptory जो rights है, ये भी explain किया गया है under section 26 of the Limitation Act और easement rights, easementary act जो है, easement act जो है, उसमें हमें easementary rights मिले हैं और ये section 15 में ये prescription की जो बातें हैं वो explain की गई है. So this is one of the defense. Second defense is statutory authority. When the statute authorizes, अगर किसी act या किसी statute के अंदर specifically ये जो act है वो करने के लिए लिखा गया है, अगर कोई statute आपको वो act, वो action करने के लिए authorize कर रहा है,
तो वो सारे एक्ट भी न्यूसेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे और दिस डिफेंस इज अवेलेबल फॉर द पर्सन अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑन टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। उषाबेन नवीन चंद्र त्रिवेदी वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंडल। It was held, in this case it was held that hurt to religious sentiment was not an actionable wrong. यानी अगर कोई ऐसा काम जिसकी वजह से किसी के religious sentiments hurt हो रहे हैं तो ये भी ये tort के अंदर actionable नहीं है। मोहिनी मोहन versus काशीनाथ रॉय। It was held that no right to hold kirtan upon another's land can be acquired as an easement. Easement यानी हम prescription समझ सकते हैं। Such a right may be acquired by custom. इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन दूसरे की प्रॉपर्टी पे कीर्तन अगर कर रहा है, पूजा कीर्तन कर रहा है काफी लॉन्ग टाइम से, तो ये इजमेंटरी राइट्स नहीं है, प्रेस्क्रिप्शन के अंडर ये राइट्स नहीं मिल सकते हैं, बट ये राइट जो है वो एज अ कस्टम मिल सकते, क्योंकि ये एक कस्टम हो गया कि काफी टाइम से एक प्रथा हो गई, एक रिवाज हो गया कि लोग उस प्रॉपर्टी पे कीर्तन करते आ रहे हैं, तो बाय वे ऑफ कस्टम उन्हें अभी भी उस लैंड पर कीर्तन करने का राइट मिल सकता है। ये होता है कस्टमरी राइट और ये प्रिस्क्रिप्टरी राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन दत्ता माल चिरंजी लाल वर्सेस लोध प्रसाद। इन दिस केस जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल बिठाया था जो जस्ट प्लेंटिव के हाउस के घर के बगल में था, ठीक है, और उस मिल की वजह से जो नॉइज और वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से प्लेंटिव को और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनका दे वर नॉट गेटिंग द पीस एंड इस नॉइज से उन्हें फ्रीडम चाहिए था। इस नॉइज की वजह से वो अपना नॉर्मल डेली रूटीन के जो भी काम थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ऑब्वियसली बात है बगल में इस तरह का कंटिन्यू 24 घंटे नॉइज चलता रहेगा तो किसी को भी किसी भी चीज में परेशानी हो सकती है। सो जब ये न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है एंड उन्हें रात को भी आराम नहीं मिलता था तो इसलिए उनके अगेंस्ट न्यूसेंस का केस फाइल किया गया था। तो इन दत्ता माल चिरंजी लाल वर्सेस लोध प्रसाद दिस केस इज रिलेटेड टू प्राइवेट न्यूसेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा न्यूसेंस का कंसेप्ट। ये सारा चीज जो भी न्यूसेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद इंपॉर्टेंट केस लॉज इज कंपाइल्ड इन दिस वीडियो। I hope this video will definitely help you in your exams. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss any lectures. See you soon with a new video. Thank you.